जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन एडमिट कार्ड 2023 के बारे में, जो कि ऑफिशियली जारी हो चुका है। ये एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है, इसका प्रोसेस तो आपको बताया ही जाएगा, बट अगर आप बताए गए प्रोसेस के माध्यम से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरे द्वारा भी अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कहाँ पर क्या जानकारी सेंड करनी है, यह मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। साथ ही आपको यहां पर यह भी बताया जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहां पर पीएसटी पीटी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो आपका फिजिकल होगा उस पर लेकर के जाने हैं। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो गाइज यहां पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 287 पद पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके फॉर्म आपने 22 दिसंबर 2022 तक भरे थे। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर आएंगे और आपको इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में तीन लिंक देखने को मिलेंगे। पहला लिंक है आपका, अगर आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड के माध्यम से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना चाहते तो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड डायरेक्ट लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आएगा। अभी आप यहां पर आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करेंगे, यहां पर अपना पासवर्ड डालेंगे जो कि आपने बनाया था, और एक कैप्चा कोड डाल करके आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में आप यहां पर अकाउंट पर लॉगिन हो जाएंगे। अब आपको यहां पर माई एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। माई एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद में आप जैसे ही एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका एडमिट कार्ड आएगा। आप यहां पर इसको प्रिंट एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक करके प्रिंट कर लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल रियल एडमिट कार्ड है। यहां पर डेट एंड टाइम टू रिपोर्ट भी दी गई है, 15 अप्रैल 2023 सुबह 6 बजे, एंड जो रिक्रूटमेंट सेंटर एंड एड्रेस है उसकी जानकारी आपको यहां पर देखने को मिल रही है। अभी मैं आपको सिर्फ ये शॉर्ट में बताया, अभी मैं आपको जो बाकी के दो लिंक है उनकी जानकारी भी देता हूं। तो यहां पर दूसरे जो दो लिंक है, ये है आपका, अगर अपना एडमिट कार्ड आपके रोल नंबर और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके माध्यम से डाउनलोड करना चाहते तो आप इन लिंक को ओपन करेंगे। अब गाइज जैसे कि आप सब जान चुके हैं कि आपकी आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती आ चुकी है, तो ऐसे में आपको आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए कोई बुक भी चाहिए होगी, तो क्यों ना आपको एसके बुक्स की आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की बुक से ही आपकी प्रिपरेशन कराई जाए, क्योंकि ये बुक आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। आप इस बुक को इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर परचेज कर सकते हैं। जिस लैंग्वेज में परचेज करना चाहिए कर लीजिएगा, ये बुक आपके लिए बेस्ट बुक रहने वाली है, क्योंकि इसमें आपको सभी ट्रेड्स के अच्छे से क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत ही आसान वे में प्रिपेयर कर पाएंगे। एंड यहां पर आपको इस बुक के बाय करने के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप दोनों लिंक से इसको बाय कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश में या फिर हिंदी में। तो जो भी आपका इसमें सवाल डाउट है बुक को लेकर के, वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड मेरे द्वारा भी रिकमेंडेशन आपको इसी बुक की रहेगी, आप जाइए इस बुक को परचेज कर लीजिए। आप जैसे ये लिंक ओपन करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर है डाउनलोड बाई एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर या फिर रोल नंबर, आप किस माध्यम से ये डाउनलोड करना चाहते हैं। अब आपको ये सवाल होगा मन में कि जो रोल नंबर है और रेफरेंस नंबर है ये हमारे पास नहीं है, तो हम इसको कैसे डाउनलोड करेंगे। तो गाइज आपको एडमिट कार्ड जारी करने से पहले एक ईमेल जारी की गई थी, उस ईमेल में आपको यहाँ पर जैसे आप एडमिट कार्ड में नीचे आएंगे तो जानने को मिलेगा कि यहाँ पर योर रेफरेंस नंबर, जो कि आपने अप्लाई किया था जिस पोस्ट पर, उसका रेफरेंस नंबर और रोल नंबर यहाँ पर दिया है। यानी कि आप यहाँ से ये जो रोल नंबर है या फिर ये जो रेफरेंस नंबर है इसको लेकर के अपना एडमिट कार्ड यहां पर डाउनलोड कर पाएंगे, अगर आप इस वेबसाइट को ओपन नहीं कर पा रहे उसके बिना भी बेसिकली। यानी कि अगर आप इस वेबसाइट को ओपन नहीं कर पा रहे सर्वर डाउन की वजह से, तो आप ये जो बाकी के दो लिंक है वो ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में जो रोल नंबर आपको ईमेल के थ्रू मिला है वो रोल नंबर आप यहां पर डालेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरी थी, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहां से भी अपना एडमिट कार्ड पीटी पीएसटी का डाउनलोड कर लेंगे। दोनों सेम ही लिंक है बट अलग अलग सर्वर पर है, ताकि अगर एक लिंक डाउन भी हो जाता है तो दूसरे लिंक के थ्रू आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सके। तो बेसिकली इन तीन विकल्प या फिर इन तीन लिंक के माध्यम से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो गाइज जैसे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले, अब ये आपको प्रिंट करा लेना है और प्रिंट आपको कलर में कराना है। अब यहां पर आपको ये जानना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं। ये आपका एडमिट कार्ड है इस तरह से, और आप यहां पर देखेंगे आपको बोला है कि टू बी फिल्ड बाई ऑथोराइज्ड आईटीबीपी सिग्नेचरी ओनली, आपको ये भरने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहां पर जो इंस्ट्रक्शन है बस ये पढ़ने हैं। आपको यहां पर बोला है कि इट इज कंपलसरी टू ब्रिंग दिस एडमिट कार्ड, यानी कि आपको इस एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेकर के आना है, और नहीं तो आपको वहां पर एंट्री नहीं दी जाएगी।
इसी के साथ में यहाँ पर गाइज आपको एक गवर्नमेंट आईडी लेकर के जानी है ओरिजिनल में, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि इनमें से कोई एक आईडी आपको लेकर के जानी होगी। इसी के साथ यहाँ पर बोला कि कैंडिडेट शुड कम ड्यूली प्रिपेयर्ड फॉर मोर देन टू डेज, यानी कि आपको दो से ज़्यादा दिन का अरेंजमेंट करके रिक्रूटमेंट सेंटर पर जाना है। इसी के साथ यहाँ पर और भी आपको बोला कि ऑन रिपोर्टिंग ऑफ फीमेल कैंडिडेट फॉर पीईटी पीएचडी दे मस्ट सबमिट ए सेल्फ डिक्लेरेशन इंडिकेटिंग अबाउट हर प्रेगनेंसी, यानी कि अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको वहाँ पर जो आपकी प्रेगनेंसी है उससे जुड़ा हुआ एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि हाँ आपको कोई प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको वहां पर अगर आप फीमेल है तो देना है। इसी के साथ यहां पर गाइज आपको कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो बेसिकली यहां पर आपको कोई डॉक्यूमेंट ऐसा लेकर के नहीं जाना है जो कि एक्स्ट्रा आपसे मांगा हो कि हाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका वहां पर नहीं होगा। बस आपको आपका एडमिट कार्ड एंड जो आपकी एक इनमें से गवर्नमेंट द्वारा इशू आईडी है ओरिजिनल में वो लेकर के जानी है, कोई अन्य डॉक्यूमेंट के लिए आपको यहां पर नहीं कहा है कि हाँ आपको ये डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, बस ये दो चीज आपके पास होनी चाहिए। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका डिटेल्ड में बाद में होगा जहां पर आपके सभी डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल की जांच की जाएगी। आप ये नोटिफिकेशन जो इंस्ट्रक्शंस है खुद से भी एक बार पढ़ लीजिएगा, कहीं पर कोई डाउट हो किसी इंस्ट्रक्शंस को समझने में या फिर आप उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो गाइज आपने यहां पर जान लिया कि कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट से एंड जो अदर लिंक है उनके माध्यम से, तो आई होप आपको दोनों तीनों का प्रोसेस पता चल गया है। अभी यहां पर अगर आप तीनों प्रॉब्लम तीनों लिंक में से किसी का भी इस्तेमाल करके अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पा रहे, कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप कैसे मेरे द्वारा अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करा पाएंगे? तो जो लिंक मैंने आपको हमारी वेबसाइट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ये आप ओपन कीजिए, और फिर से अगर नहीं किया है तो सबसे लास्ट में आइए और फिर आप कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आपका नेम लिखिए, ईमेल आईडी दीजिए, फोन के अंदर आपको आपका फोन नंबर देना है जो कि व्हाट्सअप का होना चाहिए, यहीं पर आपको एडमिट कार्ड का पीडीएफ सेंड किया जाएगा। मैसेज में आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो है आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड जो आपका पासवर्ड है वो, साथ ही आप यहाँ पर अगर आपको रोल नंबर मिल चुका है तो आप यहाँ पर आपका रोल नंबर भी एंटर करेंगे और साथ ही जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी एंटर करेंगे, यानी कि आपको चार चीज़ें देनी है, एक है आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, एक है आपका पासवर्ड, तीसरा है आपका रोल नंबर और चौथा है आपका डेट ऑफ बर्थ, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है आईटीबीपी ट्रेड्समैन एडमिट कार्ड, क्योंकि मेरे पास और भी काफ़ी सारे एग्जाम के एडमिट कार्ड या आंसर की चेक करने की इन्फॉर्मेशन आती रहती है, तो अगर आपने ये नहीं लिखा कि इस चीज़ की जानकारी है तो मुझे समझ में नहीं आएगा और मैं आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आपको यहाँ पर ईमेल आईडी, पासवर्ड, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका रोल नंबर जो कि ईमेल के माध्यम से मिला है, इन चार चीज़ों के साथ में लिखना है आईटीबीपी ट्रेड्समैन एडमिट कार्ड 2023 और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये जानकारी मेरे पास आ जाएगी, फिर मेरे से जितनों का भी हो पाएगा वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दिया जाएगा और उसके लिए आपसे कोई भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी कि आपको एक एडमिट कार्ड डाउनलोड न करने की वजह से इतना जो आपने मेहनत की है वो वेस्ट न जाए और आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाए। एंड गाइज मैंने जो आपको इस वीडियो के अंदर बुक सजेस्ट की है आपके एग्जाम के लिए जो कि आपका रिटर्न एग्जाम होगा, वो बुक भी आप परचेज कर लीजिए, काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को स्पीड देना चाहते हैं कम समय के अंदर तो आपके लिए वो बेस्ट बुक रहने वाली है। एंड अगर अभी भी कोई सवाल डाउट रह गया तो कमेंट में पूछ लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।